हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री एंड जॉन। सो बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के, जो हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि रिएक्शन इंटरकन्वर्जन कैसे होता है। यानी अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप का कंपाउंड दिया है और अगर मुझसे कहा गया है कि बताओ इस ग्रुप को इस ग्रुप में कैसे कन्वर्ट करोगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा गया है कि मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड बनाना है, तो बताओ कैसे बनाए। या अगर मुझसे कहा जाता है कि मेरे पास अल्कोहल है और अगर मुझे अल्कोहल से अल्कीन बनाने के लिए कहा जाता है, या मुझे अल्कोहल से साइनाइड का कोई फंक्शनल ग्रुप का कंपाउंड बनाने के लिए कहा जाता है, तो मैं उसको कैसे करूँ। ये इंटरकन्वर्जन के रिएक्शन जो होते हैं, ये पूरी 11th, पूरी 12th, पूरी ग्रेजुएशन में अपना दिमाग खराब करते हैं। ट्रस्ट मी, मैं भी इससे पीड़ित हूँ। तो एक काम करते हैं, इस पूरी इंटरकन्वर्जन की चीज को एक ग्राफिकली या एक कहें एक फ्लो शीट में समझने की कोशिश करते हैं, जहां मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह आप एक किसी फंक्शनल ग्रुप को पकड़ के बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप को डिराइव कर सकते हैं और किस में क्या रिलेशन है। बिकॉज मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि एक फंक्शनल ग्रुप ये देता है तो आप इससे इसको डिराइव कर सकते हो। यहां से यहां जाना उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है और यहां से वहां जाना इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो जाता है या इसका प्रॉपर्टी हो जाता है। तो एक काम करते हैं, उस ग्राफ को या उस फ्लो शीट को समझने की कोशिश करते हैं जहां से हम पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होने वाले फंक्शनल ग्रुप या केमिकल या कंपाउंड के इंटरकन्वर्जन को समझ सकते हैं। सो ट्राई स्टार्ट करते हैं ना। अकॉर्डिंग टू इंटरकन्वर्जन का चार्ट, एक चीज को याद रखना, अल्कोहल जो होता है वो बेसिक है। आप जितने भी केमिस्ट्री में जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हो, वो सारे फंक्शनल ग्रुप आप अल्कोहल से डिराइव कर सकते हो, आप उनको बना सकते हो और अल्कोहल से आप वैरायटी ऑफ ग्रुप्स को बना सकते हो। याद रखना, मैंने यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड्स को कंसिडर नहीं किया है, मैं अभी भी एलिफेटिक कंपाउंड्स को लेके चल रहा हूँ। सो हम यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे और ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप यूँ कह सकते हो कि आने वाले ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल तक आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। और इस चार्ट को आप बाद में स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्टार्ट करते हैं अल्कोहल। सबसे पहले आप अल्कोहल से क्या कन्वर्जन कर सकते हो? सर, आप अल्कोहल से अल्कीन बना सकते हो। याद रखना, ये जो रिएक्शन है ये इंटरकन्वर्टिबल है, मतलब आप अल्कोहल से आप अल्कीन बना सकते हो, अल्कीन से आप वापस से कन्वर्ट कर सकते हो अल्कोहल में। जहां पर भी मैंने डबल एरो डाले हुए हैं, इसका मतलब यहां से वहां जाया जा सकता है और वहां से वापस यहां पर आया जा सकता है। सो जब आप अल्कोहल से अल्कीन बनाने की कन्वर्जन करने की कोशिश करोगे, तो आपको जो कैटलिस्ट या जो आपको रिएजेंट यूज करना पड़ेगा, दैट विल बी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, उसकी प्रेजेंस में आप करोगे। आप अगर अल्कीन से रिवर्स आते हो अल्कोहल की तरफ, तो आपको दो मेथड्स होते हैं, जिसमें पहला मेथड होता है आप वाटर के साथ H2SO4 को लोगे तो आप ये कर सकते हो। सेकंड होगा जिसमें आप हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन कराते हो, तो अल्कीन से आपको वापस से अल्कोहल मिलेगा। सेकंड, आप अल्कोहल से एल्डिहाइड कन्वर्ट कर सकते हो। ये अल्कोहल टू एल्डिहाइड का कन्वर्जन हमने 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स में पढ़ा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो 12th स्टैंडर्ड के आने वाले बोर्ड के पेपर में आप देख सकते हो, जिसमें ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ देयर आर टू वेज आप अल्कोहल से एल्डिहाइड बना सकते हो, एल्डिहाइड से आप अल्कोहल में कन्वर्जन कर सकते हो। मैनी टाइम्स होता ही है कि जब आप एल्डिहाइड्स के बारे में पढ़ते हो, एल्डिहाइड्स के बारे में, तो अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना विल बी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, वहां पर एक रिएक्शन दिया जाता है। और जब आप रिवर्स पढ़ते हो कि एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना, तो ये अल्कोहल के प्रिपरेशन में दिया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि दो अलग अलग रिएक्शंस अलग अलग चैप्टर्स में दिए जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि वाओ, नंबर ऑफ रिएक्शंस हैव इंक्रीज, बट एक्चुअली में देखा जाए तो वन एंड द सेम थिंग। तो दो अलग चैप्टर के रिएक्शंस को अगर आप क्लब अप कर दो, कंबाइन कर दो, तो आप ये कह सकते हो कि अल्कोहल और एल्डिहाइड, एक में मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ाया जाता है, दूसरे में उसकी वो प्रॉपर्टी बन जाता है। तो अल्कोहल से एल्डिहाइड कन्वर्जन का अगर करोगे तो आपको PCC का यूज करना पड़ता है या कॉपर ले सकते हो, दैट इज एट 573 केल्विन। एल्डिहाइड से अगर अल्कोहल बनाने की कोशिश करते हो, जरा एन नंबर ऑफ, एक्चुअली जरा फाइव वेज आप पांच तरीके से कर सकते हो। पहला, जब वहां पे आप रानी निकल लेते हो। सेकंड, आप सोडियम मर्क्यूरी का अमलगम यूज कर सकते हो। थर्ड, आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड वाटर ले सकते हो। सेकंड विल बी सोडियम बोरोहाइड्रेट। आप एल्डिहाइड से अगर फर्दर जाते हो, तो आप एल्डिहाइड से दो चीजों को बना सकते हो। आप एल्डिहाइड से कन्वर्ट कर सकते हो अल्केन में, और एल्डिहाइड से आप कन्वर्ट कर सकते हो एसिड में। आप जिंक मर्क्यूरी का अमलगम लोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। सेकंड विल बी आप NH2, और फिर उसके अंदर KOH, दैट विल बी इथिलीन ग्लाइकॉल आप यूज करोगे, एंड व्हाट यू विल बी गेटिंग विल बी एन अल्केन। या आप उससे एसिड बना सकते हो, K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, एंड KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड अगेन। ये डी एंड एफ ब्लॉक का एक रिएक्शन है जिसको हम यहाँ पे यूज करते हैं, और आप एल्डिहाइड से एसिड बनाते हो, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट विल बी आप अल्कोहल से कीटोन बना सकते हो। सो अल्कोहल से कीटोन बनाते समय सेम प्रोसेस होगा, रिवर्स जाओगे तो भी सेम होगा। एक डिफरेंस याद रखना,
अगर आप एल्डिहाइड बनाते हो, एल्डिहाइड यूज करते हो अल्कोहल बनाने के लिए, तो जो अल्कोहल बनेगा वो प्राइमरी बनेगा। अगर आप कीटोन यूज करते हो अल्कोहल बनाने के लिए, तो जो अल्कोहल बनेगा दैट विल बी अ सेकेंडरी अल्कोहल। नाउ कीटोन से आप फिर से एसिड बना सकते हो। सो इफ समबडी आस्क यू व्हाट आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एन एसिड, तो एक्चुअली मैं दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एन एसिड कह सकता हूं, पहला यूजिंग एल्डिहाइड, सेकंड यूजिंग अ कीटोन। एंड दोनों केसेस में जो मैं रिएजेंट यूज करने वाला हूं दैट विल बी K2Cr2O7 एंड KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड दैट्स H2SO4। Now, अगला जो मेथड होगा दैट विल बी फ्रॉम एल्कोहल, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, आप एसिड कन्वर्जन कर सकते हो। एंड दिस इज अगेन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल इन द सेंस इंटरकन्वर्सिबल रिएक्शन है ये। आपको अगर एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन करना है, अगेन यू हैव गॉट टू रिएजेंट्स, द सेम रिएजेंट सिंस हम लोगों ने वो यहां पढ़ा है, आप यहां ऑलरेडी देख चुके हो एसिड बनाने के लिए, दिस आर टू रिएजेंट्स दैट इज K2Cr2 एंड KMnO4। नाउ फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड यू कैन गेट फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, द फर्स्ट विल बी अमाइड्स। नाउ जहां मैं सिंगल एरो दिखा रहा हूं, वो सिंगल एरो ये रिप्रेजेंट करता है कि आप अमाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड पे नहीं जा सकते। सो ये सिंगल एरो का मतलब था इट विल बी अ वन साइड रिएक्शन। सो यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड व्हाट यू कैन गेट इज अमाइड विद द हेल्प ऑफ अमोनिया दैट्स NH3। नाउ यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड व्हाट यू कैन गेट विल बी एनहाइड्राइड, एंड दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एन एसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। एंड यू कैन गो back, आप anhydride में water add कर दो, what you will be getting back will be a carboxylic acid. Now using carboxylic acid, what you can get will be acyl chloride, and this can be done using three reagents. First will be SOCl2, then it will be PCl5, or it can be PCl3. Now this can be reversed back. आप इसको reverse back लेके जाओगे तो the reagent that you use will be water. The fourth will be using carboxylic acid, what you can get will be alkanes. Now mind it, ye reverse reaction nahi hoga, this will be in one direction, and this can be done with the help of NaOH in the presence of calcium oxide. Is pure flow sheet ka ek hi maksad hai, aap product mat yaad rakho, aap unke reagents ko yaad rakh lo. Reagents se aap pata kar sakte ki ek functional group se aap dusre functional group mein jo aane wala hai wo kaun sa hoga. Now moving up next will be from alcohol, what you can get will be an ester. Now this is again an interconvertible reaction, alcohol se ester, ester se what you can get will be an alcohol. And now if you go in this direction, it will be with the help of an acetic acid in the presence of again acid. And if you go back, it will be acidified water. From ester, again you can go with, you can get acid or you can get even aldehyde. If you are going from ester to acid, aapko dilute H2SO4 lena padega. Aur aap agar acid se ester ki taraf jaate ho, this can be done in the presence of ROH in concentrated H2SO4, that is in acidic condition. And this is not an interconvertible reaction, it's a one-way reaction. And this is done in the presence of dibyl H in toluene. And dibyl stand for diisobutyl aluminium hydride, that is DIBAL-H in toluene, and this is a one-way reaction. The next will be from alcohol, what you can get will be ether. So when you go from alcohol to ether, it will be two-way, that is CH2N2 in presence of HBO4, or otherwise it will be concentrated H2SO4. If you are going back, it will be HX in cold condition, that is any halide, that is you can say HCl or HBr or HI in cold condition, or water in the presence of dilute H2SO4, that is you can say acidified water. Now, from ether, आप क्या ले सकते हो, RX बना सकते हो. Now, what do you mean by RX? That is alkyl halide. आप ether से alkyl halide बना सकते हो in the presence of cold HX. और अगर आप back जाना चाहते हो, you can use this RONA. Using alcohol, what you can get will be alkyl halide. Now, this is really very important. आपको ये reaction याद रखना है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है, most of the organic reactions अगर आप देखते हो, या most of the time जब आप organic chemistry 11, 12 का पढ़ते हो, from alcohol to alkyl halides, ये conversions बहुत important होते हैं. तो आप alcohol से, जब आप alkyl halide बनाने की कोशिश करते हो, there are four ways जिसमें आप ये कर सकते हो, actually there are five ways जिसमें आप ये कर सकते हो, that will be using ZnCl2 or using HI or using NaBr plus H2SO4 or using PCl3 or PCl5 or SOCl2. When you are trying to go reverse back, याद रखना यहाँ पे आप aqueous KOH और NaOH use करते हो. Now I would like to focus on this. आप जब आगे पढ़ोगे, what you will be getting will be आपको alcoholic KOH के बारे में पढ़ने मिलेगा. जब आप आगे के reaction देखो, जैसे हम लोग जब alkyl halide से अल्कीन बनाते हैं, तो जब अल्काइल हैलाइड से अल्कीन बनाते हैं, उस रिएक्शन में आप अल्कोहलिक केओएच यूज करते हो, और जब आप अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाते हो, उस रिएक्शन में आप एक्वियस केओएच यूज करते हो. और ये रिएक्शन मेनी अ टाइम पूछा जाता है बोर्ड के पेपर में, जहां पे एरो के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम या तो हम क्या करते हैं, केओएच को याद कर लेते हैं. यू नीड टू रिमेंबर कि वो अल्कोहलिक कंडीशन में है कि वो एक्वियस कंडीशन में है. सो अल्काइल हैलाइड से फर्दर, वंस यू आर गेटिंग अल्काइल हैलाइड, देयर आर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एन नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप दैट कैन बी प्रिपेयर्ड. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले हम इसको दो क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं. अल्काइल हैलाइड से आप कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप बना सकते हो जो कि इंटरकन्वर्टिबल नहीं होंगे,
और अल्काइल हैलाइड से आप एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप बना सकते हो जो कि इंटरकन्वर्टिबल है। तो दो ऐसे हैं जो आप इंटरकन्वर्ट कर सकते हो, जैसे अल्काइल हैलाइड से आप अल्कीन और अल्केन बना सकते हो, एंड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड आप CN, आप NC, आप NH2, आप RCOR और आप RMGH, दैट इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आप ये बना सकते हो। नाउ कंडीशंस फॉर दिस आर मेंशन ओवर हियर। अल्काइल हैलाइड से अल्कीन बनाना अल्कोहलिक केवच, ये याद रखना। अगर रिवर्स जाते हो दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ HX, एनी HCl या HBr या HI, और यू कैन से NaBr peroxide, NaBr इन द प्रेजेंस ऑफ एन peroxide। आप अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाते हो दैट विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन ड्राई ईथर, एंड आप अगर रिवर्स रिएक्शन में करते हो सो या तो क्लोरीनेशन कर सकते हो या ब्रोमिनेशन कर सकते हो या आयोडिनेशन कर सकते हो। दिस रिएक्शंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप अल्केन से अल्काइल हैलाइड बनाते हो, आप जब HDA पढ़ते हो तो HDA पढ़ते समय ये रिएक्शंस को पढ़ाया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग अप टू दोस रिएक्शन जो कि इंटरकन्वर्ट नहीं होते, दैट आर अल्काइल हैलाइड से आप साइनाइड बना सकते हो दैट विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KCN, या आप बना सकते हो NC, दैट इज आइसोसाइनाइड, एंड दिस विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम साइनाइड एंड इट हैज टू बी हीटेड। थर्ड आप यहाँ पे NH2 ग्रुप बना सकते हो दैट विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक अमोनिया। फोर्थ विल बी आप इससे RCOR बना सकते हो दैट इज एस्टर, एंड इट विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट सिल्वर एसिटेट एंड इट हैज टू बी हीटेड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप इससे RMGX बना सकते हो, दैट्स कॉल्ड एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में हमारे सिलेबस में होता है 1200 में कहीं ना कहीं पे, एंड दिस विल बी विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर। आप अगर रिएजेंट्स को देखो, आप रिएजेंट से भी बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या होगा। नाउ वन मोर थिंग, यहाँ पे जो साइनाइड बना है विद द हेल्प ऑफ द साइनाइड फंक्शनल ग्रुप, it will be a functional group, आप तीन और compounds बना सकते हो। First will be aldehyde, second will be an acid, third will be an amine. Now, ये graph आप जो देख रहे हो, this is really important. क्यों? क्योंकि मुझे याद है जब मैं भी अपने education system में जब मैं पढ़ रहा था, तो बहुत बार ऐसे होता था with the help of A, बताओ एक एक reagent दिया जाता था, फिर बोलते थे बताओ B क्या predict करोगे, B में फिर कुछ condition देते थे, बोलते थे C बताओ क्या predict करोगे, तो A से B जाना और B से C जाना। So many a times B दिया होता था, C predict करने का जाता, many a time दोनों missing होते थे। Now, ऐसा अगर मैं आपसे question पूछता हूँ कि चलो एक काम करते हैं, आपके पास एक alcohol है और आपको बनाना है amide, तो यू कैन प्रिडिक्ट कि अल्कोहल से आप कैसे अमाइड तक पहुंच सकते हो। फ्रॉम अल्कोहल आप क्या कर सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड से फिर आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, अमाइड में। सो इफ यू ट्राई टू बाय हार्ट दिस ग्राफ, अगर आप इस पूरे चार्ट को बाय हार्ट करने की कोशिश करो, तो आपके ऑर्गेनिक की आधी प्रॉब्लम्स यहीं पर सॉल्व हो जाएंगी, स्पेशली उन क्वेश्चंस की जहां पर आपको मिसिंग टर्म्स आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाता है, या मैनी टाइम्स उन क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो जहां पे नेम रिएक्शंस आते हैं, क्योंकि यहां पे बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि नेम रिएक्शंस हैं। आप अगर गौर से देखोगे जब आप सिलेबस पढ़ना स्टार्ट करोगे, कुछ कन्वर्जेंस ऐसे हैं जो किसी किसी साइंटिस्ट के नाम पे, जिनको हम नेम रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से मैं एक कंक्लूजन ये निकाल सकता हूँ कि अल्कोहल रियली बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये अल्कोहल बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि इस अल्कोहल से आप एन नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप बना सकते हो। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अल्कोहल के साथ डील करती है, और ये अल्कोहल रियली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट सारे फंक्शनल ग्रुप इस अल्कोहल से डिराइव होते हैं। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट, इवन दो अल्कोहल में OH फंक्शनल ग्रुप होता है, एंड इवन दो फिनॉल में भी OH फंक्शनल ग्रुप होता है, बट ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करना या ऐसे मत समझना कि अगर अल्कोहल जो रिएक्शंस दिखाता है वही सारे रिएक्शन सेम टू सेम फिनॉल भी दिखाएगा। प्रॉब्लम यह है कि फिनॉल की केमिस्ट्री थोड़ी सी डिफरेंट है फ्रॉम अल्कोहल। सो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। जाते जाते आप इस पूरे शीट का या फ्लो शीट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम आएगा।